जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे सल्तनतकालीन राजाओं यानी शासकों के बारे में, और उन्होंने कितने साल तक शासन किया, इसके बारे में एक छोटा सा परिचय जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती बस इतनी है, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला, गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और गुलाम वंश भारत में सबसे पहला मुसलमान शासक वंश था। तो आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला शासक बना था गुलाम वंश का, जो 1206 से 1210 तक शासन किया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं आराम शाह। आराम शाह ने शासन सिर्फ एक वर्ष किया था, 1210 में। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने शासन 1210 से 1236 तक किया था। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसने शासक कुछ महीने ही किया था। आइए हम नेक्स्ट देख फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद दिल्ली के तख्त की महारानी बनी रजिया सुल्तान, जिसने 1236 से 1240 तक शासन किया। बाद में इनकी भी हत्या कर दी गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह, यह 1240 से 1242 तक शासन किया। फिर नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह, इसने शासन किया था 1242 से 1246 तक। फिर नेक्स्ट देखते हैं नसीरुद्दीन महमूद, इसने शासन किया था 1246 से 1266 तक। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1286 तक शासन किया था। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं खुसरो। खुसरो ने शासन 1286 से 1287 तक केवल एक वर्ष तक ही शासन किया था। फिर मुइजुद्दीन केकुबाद, इसने शासन 1287 से 1290 तक किया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं शमसुद्दीन कैमूर, इसने शासन 1290 में किया था कुछ महीनों के लिए ही। तो इस प्रकार गुलाम वंश ने कुल शासन 97 वर्ष किया था। कृपया इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश ने भारत पर शासन 1290 से 1320 तक कुल 30 वर्ष शासन किया था। और आइए इसके बारे में, शासकों के बारे में एक छोटा सा परिचय देखते हैं। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी, और इन्होंने भारत पे शासन 1290 से 1296 तक किया था। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पे शासन लगभग 1296 से 1316 तक किया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं शहाबुद्दीन उमर शाह। शहाबुद्दीन उमर शाह ने 1316 में शासन किया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खान। कुतुबुद्दीन मुबारक खान ने भारत पे शासन 1316 से 1320 तक किया था। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं नसीरुद्दीन खुसरो शाह, इसने भारत पे शासन 1320 में किया था। और इस प्रकार कुल खिलजी वंश ने भारत पर 30 वर्ष तक शासन किया था। फिर आइए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश ने कुल भारत पर शासन
94 साल तक किया था। साथियों, इन चीज़ में से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से वंश में सबसे ज़्यादा शासन किया, तो कृपया इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। तो तुगलक वंश की स्थापना हुई थी ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ग्यासुद्दीन तुगलक ने भारत पर शासन 1320 से 1325 तक किया था। फिर आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, पागल शासक। इसने शासन 1325 से 1351 में किया था, जिसने बहुत ही कहीं ऐसे कार्य किए थे जो इतिहास में हास्यास्पद कहे गए हैं। फिरोज शाह तुगलक ने भारत पर शासन 1351 से 1388 तक किया है, और इसी ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नामक जगह का निर्माण करवाया था, कृपया याद रखिएगा। फिर ग्यासुद्दीन तुगलक दो ने भारत पर शासन 1388 से 1390 तक किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अबू बकर शाह ने 1390 में ही शासन किया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद तुगलक तृतीय। इसने भारत पर शासन 1390 से 1394 तक किया था, लगभग 5 साल। फिर सिकंदर शाह ने भारत पर शासन 1394 में किया था। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं, नसीरुद्दीन शाह ने भारत पर शासन 1394 से 1395 तक किया था, लगभग 2 या 2.5 साल। फिर आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, नसरत शाह ने 1395 से 1399 तक भारत पर शासन किया था, यानी दिल्ली पर। फिर नसरत शाह द्वितीय, फिर से इसने दिल्ली के तख्त पर 1399 से 1413 तक शासन किया था। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, दौलत शाह ने 1413 से 1414 तक दिल्ली के तख्त पर राज किया था। इस प्रकार तुगलक वंश ने लगभग 94 साल दिल्ली सल्तनत पे राज किया था, कृपया याद रखिए इस बात को। फिर आइए हम अब नेक्स्ट देखते हैं, सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी, और खिजर खान इस वंश के प्रथम शासक थे, जिन्होंने 1414 से 1421 तक राज किया था। आइए नेक्स्ट राजा के बारे में देखते हैं, मोइजुद्दीन मुबारक शाह ने 1421 से 1434 लगभग 10, 12, 13 साल शासन किया था इन्होंने। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद शाह चतुर्थ, इसने 1434 से 1445 तक शासन किया था। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, अलाउद्दीन आराम शाह ने 1445 से 1451 तक शासन किया था। आइए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वंश, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया, वो था लोधी वंश। और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, और बहलोल लोधी ने दिल्ली तख्त पर 1451 से 1490 तक शासन किया था। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर लोधी तृतीय। इन्होंने 1490 से 1517 तक शासन किया था। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इब्राहिम लोधी लोधी वंश के अंतिम शासक थे। इन्हीं को बाबर ने हरा कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, और इब्राहिम लोधी ने 1517 से 1526 तक शासन किया था। आइए अब हम देखते हैं, मुगल साम्राज्य यानी मुगल वंश ने भारत पर लगभग, माफी चाहूंगा आपको थोड़ा बता दूं कि लोधी वंश ने भारत पर
75 साल तक शासन किया था। कृपया याद रखिए, मुगल वंश की स्थापना जहीरुद्दीन बाबर ने की थी, और इन्होंने सबसे पहले इब्राहिम लोदी को भारत में हराया था। इसके बाद बाबर के बाद गद्दी पर बैठे उसके पुत्र हुमायूं, जिसने 1530 से 1539 तक शासन किया। लेकिन इसके बाद हुआ एक टर्न, और हुमायूं की सेना के सेनापति, जिनका नाम था शेरशाह सूरी, उन्होंने हुमायूं को गद्दी से हटाकर खुद गद्दी पर बैठ गए, और उन्होंने सूरी वंश की स्थापना की, और सूरी वंश ने भारत पर लगभग 16 साल राज्य किया। आइए इस वंश के साथ प्रमुख शासकों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है शेरशाह सूरी, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी 1539 से 1545 तक। इसके बाद है इस्लाम शाह ने 1545 से 1552 तक शासन किया। फिर आता है नेक्स्ट महमूद शाह सूरी ने 1552 ईस्वी में शासन किया था। फिर नेक्स्ट आते हैं इब्राहिम सूरी ने 1553 तक शासन किया था। फिर आते हैं नेक्स्ट फिरोज सूरी, इन्होंने लगभग 1554 तक शासन किया था। फिर आते हैं नेक्स्ट मुबारक खान सूरी, जिन्होंने भी 1554 में ही शासन किया कुछ महीनों के लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट सिकंदर सूरी, जिन्होंने 1555 में शासन किया। इसके बाद फिर से मुगल साम्राज्य अपनी सत्ता में फिर से वापस आ गए, और हुमायूं फिर से भारत का यानी दिल्ली सल्तनत का राजा बना, उसके बाद सिर्फ एक साल ही शासन किया, और उसकी मृत्यु हो गई वहाँ की लाइब्रेरी में की सीढ़ियों पर गिरने से। उसके बाद बना राजा जलालुद्दीन अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया था। जलालुद्दीन अकबर ने बहुत अच्छे कार्य किए थे, जिसके कारण इतिहास में एक अच्छा राजा कहा जाता है। बाद में डिटेल में इन पर हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। उसके बाद अकबर के बाद उसका बेटा सलीम जहांगीर के नाम से शासक बना, जिसने 1605 से 1628 ईस्वी में शासन किया। जहांगीर के समय में ही विलियम हॉकिंस नाम का अंग्रेज शासक आया था अपने जहाज में। इससे क्वेश्चन बनता है, कृपया याद रखिए। फिर जहांगीर के बाद उसका बेटा खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा, और इसने 1628 से 1659 तक शासन किया। फिर औरंगजेब, शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब गद्दी पर बैठा, जो कि एक बहुत ही क्रूर शासक था, जो कट्टरपंथी था और लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। शाह औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठा शाह आलम, जिसने शाह 1707 से 1712 तक शासन किया। फिर आते हैं नेक्स्ट जहादर शाह जफर, जहादर शाह 1712 से 13 तक शासन किया। फिर आते हैं नेक्स्ट फरकुशियर ने 1713 से 1719 तक शासन किया। फिर उसके बाद आते हैं रेफू जरात, उसने 1719 में शासन किया। फिर रेफू द दोल्ला, इसने 1719 में शासन किया। फिर नेकुशियर में 1719 में शासन किया। फिर महमूद शाह ने 1719 से 1748 तक शासन किया। फिर अहमद शाह ने 1748 से 1754 तक शासन किया। फिर इसके बाद आलमगीर ने 1754 से 1759 तक शासन किया। फिर शाह आलम द्वितीय ने 1759 से 1806 तक शासन किया। फिर अकबर शाह ने 1806 से 1837 तक शासन किया। फिर बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल वंश के अंतिम शासक थे, इन्होंने
1837 से 1857 तक शासन किया। साथियों, आज का वीडियो बस इतना ही। कृपया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद।